नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। राफेल लड़ाकू विमानों के ऑफसेट समझौते को लेकर विवादों में फंसी अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की कंपनी RNEL पर अब नौसेना ने जुर्माना लगाया है और 5 समुद्री गश्ती पोत की आपूर्ति समय पर न करने के लिए उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में इसकी पुष्टि की। अब इस सौदे में केवल लार्सन एंड टूब्रो के रह जाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से भी इस बारे में बात की जा सकती है। INEL को 2,500 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत नौसेना को 5 समुद्री गश्ती पोत की आपूर्ति करनी थी, लेकिन वह इस सौदे को निर्धारित समय में अमली जामा पहनाने में विफल रही है। वहीं सरकार ने हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उसके बेड़े में 56 युद्ध पोत और 6 पनडुब्बी शामिल करने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। साथ ही दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत को लेकर भी बातचीत ठोस रूप ले रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि नौसेना रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। सरकार ने देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नौसेना के बेड़े के लिए 56 समुद्री पोतों और 6 पनडुब्बी की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश के विभिन्न शिपयार्डों में अभी 32 समुद्री पोत और पनडुब्बी बनाई जा रही हैं। देश में ही बनाया जा रहा विमान वाहक पोत INS विक्रांत निर्माण के तीसरे और अंतिम चरण में है। इसके समुद्री परीक्षण 2020 के मध्य में शुरू होने की संभावना है। इससे नौसेना की समुद्री शक्ति तथा हवाई मार्ग क्षमता बढ़ेगी। दिल्ली में दम घोटू प्रदूषण से निजात दिलाने में असफल रही अरविंद केजरीवाल की सरकार पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना ठोका है और इसकी अदायगी नहीं करने पर हर माह 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। NGT ने दिल्ली सरकार पर जुर्माना ठोकते हुए कहा कि यह राशि सरकार के अधिकारियों के वेतन से कटौती और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले लोगों से वसूली जाए। प्राधिकरण ने कहा है कि यदि सरकार जुर्माना अदा नहीं करती है तो उस पर 10 करोड़ रुपए प्रतिमाह और जुर्माना लगेगा। प्राधिकरण के समक्ष राजधानी में प्रदूषण से संबंधित 70 से अधिक याचिकाएं हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। NGT ने पाया कि राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए उसके पिछले आदेशों का पालन भी नहीं किया गया। दिल्ली में खुले में कूड़े में आग लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद दिल्ली में जगह जगह कूड़ा जलाया जाना आम बात है। NGT ने पिछले महीने ही पंजाब सरकार पर सतलुज और ब्यास नदी में प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए 50 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुणे की एक अदालत में दाखिल आरोप पत्र उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने कहा कि वह आरोपियों के खिलाफ आरोपों को देखना चाहती है। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को पुणे की विशेष अदालत में राज्य पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र 8 दिसंबर तक उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। पीठ बम्बई उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 90 दिन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। पीठ ने अब अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत मुंबई में इस साल के निचले स्तर पर और दिल्ली में 9 महीने बाद 72 रुपए प्रति लीटर से नीचे आई है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई में पेट्रोल की कीमत 30 पैसे घटकर 77.50 रुपए प्रति लीटर रही, जो वर्ष 2018 का न्यूनतम स्तर है। वहां डीजल 38 पैसे की गिरावट के साथ 69.77 रुपए प्रति लीटर बिका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल
30 पैसे सस्ता होकर 71.93 रूपए प्रति लीटर बिका। यह इस साल 2 मार्च के बाद पहली बार 72 रूपए से नीचे आया है। यहां डीजल भी 36 पैसे की गिरावट के साथ 66.66 रूपए प्रति लीटर पर रहा। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज के साथ। धन्यवाद।